Today we shall discuss about the Wally point versus more pressure curve for ideal solution. We have already discussed about the vapor pressure versus more pressure curve for ideal solution in Rouse's law. Rouse's law के अंदर हमने sketch एक curve बनाया था vapor pressure versus more pressure ideal solution के लिए. Rouse's law ideal solution की study करता है. Today we discuss about the boiling point versus more fraction curve for ideal solution. ये practical curve है. तो ये जो मैंने curve बनाया है इसके यहाँ पर हमने क्या किया है, ये एक example के यहाँ पर है. इससे last वाली video के अंदर हमने एक example लिया था. Example में हमने क्या लिया था, हमने one mole A और B के liquids को mix करके एक ideal solution बनाया था. और उसमें हमने ले रखा था ए का जो हमारे पास प्योर स्टेट में जो प्रेशर था वो 20 टोर था और बी का 80 टोर था. तो फिर हमने क्या किया था, फर्स्ट कंटेनर के अंदर हमने 0.5 मोल ए और 0.5 मोल बी के ले रखे थे. फिर हमने उनको इवेपोरेट करवाया था. तो इवेपोरेट करवाया था तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया था, वेपर फेज के अंदर जो मोल फ्रैक्शन आए थे ए और बी के, ए के आए थे 0.2 और बी के आए थे 0.8. ये ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था. फिर हमने क्या किया था, इन वापस को कंडेंस करवा के लिक्विड बनाया और उस लिक्विड को हमने सेकंड कंटेनर के अंदर पोर कर लिया था. तो सेकंड कंटेनर के अंदर जो लिक्विड था उसके अंदर ए और बी के मोल फ्रैक्शन जो थे वो 0.2 और 0.8 ही रहे. फिर हमने क्या किया था, सेकंड कंटेनर के अंदर जो लिक्विड था उसको भी वेपोरेट करवाया. तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गए थे बफर फेज में और बी के, ए के आए थे वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन 0.06 और बी के आए थे 0.94. यानी कि ए आ गया था 6% और बी आ गया था 94% सेकंड कंटेनर के अंदर वापस के अंदर. फिर हमने सेकंड कंटेनर के वापस को वापस कंडेंस करवा के लिक्विड बनाया, उसको थर्ड कंटेनर के अंदर पोर किया. थर्ड कंटेनर के अंदर जो लिक्विड आया उसके अंदर मोल फ्रैक्शन यही रहेगा ए और बी का, ए रहेगा 0.06 और बी रहेगा 0.94. फिर हमने थर्ड कंटेनर के लिक्विड्स को भी वापस इवेपोरेट करवाया. तो हमारे पास वापस के अंदर जो मोल फ्रैक्शन आए थे और बी के, हमारे पास ए के जो मोल फ्रैक्शन आए थे वो आए थे 0.015, यानी कि ए रह गया था 1.5% और बी के आए थे 0.985, यानी बी कितना आ गया था 98.5%. एक बार और अगर हम इन वापस को कंडेंस करवा के फर्दर इवेपोरेट करवाए तो हम अब के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऐसे ही प्रोसीजर करते रहेंगे. तो हम देख रहे हैं कि अभी हमारे पास जो भी है वो 98.5% है. तो एक बार और वापस को कंडेंस करवा लिक्विड बनाएंगे देन इवेपोरेशन करवाएंगे तो अब की बार वापस के अंदर हमारे पास प्योर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा. यानी कि प्योर बी वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम द बाय कंडेंसिंग ऑफ द वापस एंड प्योर ए इज रिमेन ऑन द लिक्विड. ए लिक्विड में रह जाएगा और बी किस में आ जाएगा, वापस के अंदर आ जाएगा. इट मीन वी कैन से दैट वी कैन सेपरेट द लिक्विड कंपोनेंट्स of A and B using fractional distillation for ideal solution. Ideal solution के liquid components को हम fractional distillation से separate कर सकते हैं. तो बेटा ये जो हमारे पास डाटा आया है इसी डाटा के हिसाब के ऊपर मैंने ये curve बनाया है. ये जो मैंने curve बनाया है ये बनाया boiling point versus more fraction curve for ideal solution. Ideal solution का example चला है. तो boiling point versus more fraction curve आप कैसे draw करोगे, सबसे पहले देखो ये जो vapor pressure versus more fraction curve है इसी से हम boiling point versus more fraction curve draw कर लेंगे. अब हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर बी का ज्यादा है, बी का जो वेपर प्रेशर है पी नोट बी वो 80 टोर है. इट मीन बी इज मोर वोलेटाइल एंड जो मोर वोलेटाइल होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो. तो ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी. और ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पर प्योर ए है. तो यहाँ पर ये जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आएगा ये प्योर ए का आएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या है प्योर बी. तो यहाँ पर ये जो आएगा ये बॉइलिंग पॉइंट आएगा बी का. अब ये जो ऊपर वाला कर्व है ये वेपर फेज कंपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वापस के अंदर जो कंपोजिशन है ए और बी का. और नीचे वाला जो कर्व है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लिक्विड फेज कंपोजिशन को. अब हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में, जैसे हमने यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट किया, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास ये हमने बीच से उठाया है. यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, ए के जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड के अंदर वो 0.5 और बी के भी मोल फ्रैक्शन है 0.5, यानी दोनों इक्वली अमाउंट में 50% ए और 50% बी. तो यहाँ पर ये जो लिक्विड था इक्वल इक्वल अमाउंट में ए और बी थे, हमने उनको क्या करवाया इवेपोरेट करवाया. इवेपोरेट करवाने के बाद वापस में जो इनका जो मोल फ्रैक्शन आएगा जो कंपोजिशन आएगा वो कहाँ पर आएगा, कहाँ पर इस वेपर वाली लाइन में कहाँ पर आएगा, तुम बिल्कुल इसके पैरेलल में यहाँ पर इस वेपर वाली लाइन के ऊपर एक पॉइंट ड्रॉ करोगे, बिल्कुल इसके पैरेलल में जाओगे इस तरह से. तो मेरे यहाँ इस कर्व में क्या आ गया, इसके पैरेलल में जाने से ये यहाँ पर आ गया. तो ये रिप्रेजेंट करेगा इन लिक्विड को इवेपोरेट करवाने के बाद वापस के अंदर जो मोल फ्रैक्शन आएगा उसको, वेपर फेज कंपोजिशन को. तो वापस के अंदर जो मोल फ्रैक्शन आए H-A और H-B 0.2 और 0.8 आए. अब हमने क्या किया, इन वापस को कंडेंस करवाया. इन वापस को कंडेंस करवाओगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड फेज यहाँ भी आ जाएगा. तो लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन यही रहेगा. फिर इस लिक्विड को क्या करेंगे, हम फिर से एक बार
फर्दर इवेपोरेट करवाएंगे तो अब की बात फिर से इसी तरह से एक पैरेलल लाइन इसके बिल्कुल पैरेलल में ड्रॉ करोगे, ठीक है। मैंने थोड़ी ऊपर की है, ये बिल्कुल पैरेलल में जाएगी, इस तरह से जाएगी। मेरा कर्व थोड़ा छोटा पड़ रहा था इसलिए। तो यहाँ पर फिर से बफर फेस कंपोजिशन आएगा। बफर फेस कंपोजिशन में क्या आ गया था, बी आ गया था 0.94 और ए आ गया था 0.06। फिर से हमने इन वापस को क्या किया, कंडेंस किया और ये लिक्विड बना। लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन यही रहा। फिर से इस लिक्विड को एक बार और हमने क्या किया, इस तरह से इवेपोरेट करवा, तो ये वापस फेस कंपोजिशन आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वापस के अंदर कोर बढ़ता जा रहा है, बी की अमाउंट बढ़ती जा रही है, वापस इधर शिफ्ट होता जा रहा है और लिक्विड इस साइड शिफ्ट होता जा रहा है। तो लिक्विड के अंदर ए की अमाउंट बढ़ती जाएगी और वापस के अंदर बी की अमाउंट बढ़ती जाएगी। सो बी कैन ऑब्टेन फ्रॉम वापस एंड ए कैन ऑब्टेन फ्रॉम लिक्विड। मैंने यहाँ पर लिखा है लिक्विड कंपोनेंट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिक्विड कंपोनेंट्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। जो मोर वोलेटाइल इज ऑब्टेन फ्रॉम वापस एंड लेस वोलेटाइल इज ऑब्टेन फ्रॉम लिक्विड। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आप देखोगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कंपोनेंट को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।